अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बिट्टू कुमार। आज मैं आपसे 10 इंटरेस्टिंग जीके का क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर भी बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट है कि वोडाफोन किस देश की कंपनी है। आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा। अगर ज़्यादा टाइम आपको चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, ये इंग्लैंड की कंपनी है वोडाफोन, और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। सवाल नंबर दो है कि कागज़ बनाने के लिए किस पेड़ का उपयोग करते हैं या किया जाता है। तो दोस्तों, आप कोशिश करें कि टाइम एंड होने से पहले आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। तो दोस्तों, बांस के पेड़ का उपयोग करते हैं कागज़ बनाने में। सवाल नंबर तीन है कि 100 रुपये के नोट के पीछे किस पर्वत की तस्वीर है। आप गेस कर सकते हो कि कौन सी पर्वत की तस्वीर है। तो माउंट कंचनजंगा एक पर्वत है। सवाल नंबर चार है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है। तो दोस्तों, सिक्किम जो है वहाँ पे खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है। सवाल नंबर फाइव है कि PhD का फुल फॉर्म क्या होता है। सवाल है आपका कि PhD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PhD का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। सवाल नंबर छः है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। सवाल नंबर सेवन है कि 1 टन में कितना किलो होता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें 1 टन में कितने किलो होते हैं। तो दोस्तों, 1 टन में 1000 किलो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर सवाल है कि किस देश में 2 शादी करना ज़रूरी है। सवाल है आपका दोस्तों कि किस देश में 2 शादी करना ज़रूरी है। तो आपका टाइम होता है एंड इरिटेरिया देश है जहां की 2 शादी करना अनिवार्य होता है। सवाल नंबर 9 है कि मोबाइल का हिंदी क्या होता है। दोस्तों, मोबाइल तो सारे लोग यूज करते हैं, तो आपको बताना है कि मोबाइल का हिंदी क्या है टाइम एंड होने से पहले। एनी गेसेस, आप अगर क्वेश्चन का आंसर गेस करते हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं। तो स्वचालित दूरभाष यंत्र। सवाल नंबर 10 है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सवाल है आपका कि किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है। तो ऊँटनी का, ऊँट जो होता है दोस्तों, तो वही ऊँटनी का जो दूध है कभी नहीं फटता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।